What's up YouTube fam, welcome back to my channel Amijan. तो guys, जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हम लोग एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, वो है VNET VPhone V6, एक इंटरकॉम है ब्लूटूथ के लिए, एंड ये इंटरकॉम आपके हेलमेट में लग सकता है और आप इसको यूज कर सकते हो हेलमेट के अंदर, और इसमें एक स्पीकर्स होते हैं तो आप इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आप फोन पे कॉल पे बात भी कर सकते हो, आप किसी और से कनेक्ट भी हो सकते हो। लाइक अगर 6 राइडर्स हैं, इसमें 6 की लिमिट है, 6 राइडर्स हैं तो 6 राइडर्स की बाइक पे अगर सेम इंटरकॉम है तो दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स ओपन इट। सो जो मुझे मिला था, मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था, तो अमेजोन से मैंने ये मंगवाया था, इसका रिव्यू हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये माउंट है हेलमेट का, और ये मैं लेके आया था करोल बाग से, ये चीज मैं करोल बाग से लेके आया था। तो हम इसको अपने नए हेलमेट में लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल दैट ये मेरा नया हेलमेट है एंड ये मेरा पुराना हेलमेट है। तो पुराने हेलमेट में मैंने जब ये माउंट किया था तो मैंने ये लगाया था, तो मेरा जो कैमरा था वो मेरे हेलमेट से काफी ज्यादा महंगा था, तो फिर प्रोटेक्शन के चक्कर में मैंने एमसील इतनी मोटी लगा दी कि ये बहुत भारी हो गया था, और एमसील चाहे देख सकते हो। तो ये माउंट मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ये फिक्स हो चुका है, अब ये कटेगा या जो भी होगा पर ये निकल नहीं सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो इसलिए मैंने इस हेलमेट पे माउंट नहीं लगाया और मैंने ये मंगवाया है। सो इट इज अ गुड प्रोडक्ट इफ यू वॉन्ट टू व्लॉग ऑन हेलमेट। सो आज हम लोग इस पे लगाने वाले हैं अपना ये। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूज कर चुका हूँ मेरे फ्रेंड का, मेरे फ्रेंड्स के पास यही है, तो पहले मैंने उनका एक हफ्ते हेलमेट लिया एंड बाइक चलाई अपनी, तो मुझे काफी कन्वीनियंट लगा और मुझे इसमें सिर्फ एक या दो इश्यूज लगे, वो मैं डिस्कस करूंगा एंड दे कैन बी इग्नोर्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस। एंड द प्राइस ऑफ दिस इज रियली लेस अगर आप औरों से कंपेयर करो, तो हम इसका प्राइस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये ऐसे पैकेज में आता है, और इसका पैकेज काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये मैंने करोल बाग से परचेज करा है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे एक इसकी मैनुअल आती है, इस मैनुअल को रीड कर लेना, काफ़ी यूजफुल मैनुअल है, मैंने इसको रीड करा है तो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा आपको। तो ये है मेन डिवाइस आपका, एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, प्लास्टिक बॉडी है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये है हमारा डिवाइस एंड ये है इसके साथ ही कुछ एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आपको एक्सेसरीज में जो मिलता है, ये मिलता है आपको एक लॉक जो हेलमेट के साइड में लगेगा, अभी हम लगा के देखेंगे इसको। यहाँ पे दो पिंस भी हैं, इन पिंस के लिए आपको साथ में ये भी मिलती है एलएन की, इसे एल की कहते हैं, तो ये इसको टाइट करने के लिए ये भी मिलती है। फिर आपको ये मिल जाएगी चार्जिंग केबल, तो इसकी चार्जिंग केबल ऑक्स टाइप होती है, तो ये यहाँ लग जाती है अंदर। फिर आते हैं इसका मेन कॉम्पोनेंट जो कि है स्पीकर्स, तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो इसके मेन स्पीकर्स हैं, ये आपका एक स्पीकर है जो राइट पे लगेगा, ये लेफ्ट पे लगेगा, एंड ये स्ट्राइप होती है ऐसे निकल के, ये निकल के ऊपर से लग जाएगा, और साथ में दो एक्स्ट्रा स्ट्राइप्स आई हैं। तो ये था मेरा स्पीकर, और जब आप इसको अंदर लगाओगे, माइक भी है, तो ये इसके अंदर जाएगा और ये खुल जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं, हम इसे यूज कैसे करते हैं। यही था एक्सेसरीज में और कुछ नहीं है, और साथ में दो एक्स्ट्रा वो हैं पिंस हैं। तो इसकी बात करते हैं, अगर आपको इसको ओपन करना है तो सबसे पहले ये राइडर्स बटन है, इसको आप ओपन करो, ये अभी ओपन हो चुका है, और इसको दबाए रखेंगे हम तो अब ये कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जब ये लाइट जलनी शुरू होंगी, पुलिस लाइट्स, तो ये आपकी कनेक्टिविटी में आ जाएगा, आप अपना फोन का बीटी ऑन करोगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर इसकी बात करें तो इसमें गाइस, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करूं, तो इसके अंदर जो ये वाला बटन है, ये इसको ऑन करने के लिए है, और अगर किसी का फोन रिंग होता है, आप बाइक चला रहे हो, अगर आप ये बटन नहीं दबाते हो तो 3 से 4 सेकंड के अंदर वो फोन ऑटो पिकअप हो जाएगा, और अगर ऑटो पिकअप नहीं करना है आपको फोन काटने, तो आप सिंपल ये वाला बटन दबा दो, फोन कट जाएगा। एंड दिस इज फॉर वॉल्यूम अप, दिस इज फॉर वॉल्यूम डाउन, एंड इसमें 4 बटन है, ये एक वाले ABCD। तो ये बटन है आपके राइडर्स कनेक्ट करने के लिए, सपोज यू हैव कनेक्टेड दिस प्रोडक्ट टू अनदर राइडर, सो आपको ए दबाना है एंड यू हैव टू से हेलो आर यू देयर, सो तुम बात कर सकते हो। एंड ये एक बटन है, ये बटन छोटे वाला, ये बटन दबाते ही ये ऑफ हो जाता है, सिंपल सा। तो अब इसके इश्यूज की पहले मैं बात करता हूँ, इसमें जो दो इश्यूज हैं, उसके बाद हम इसको अपने हेलमेट में माउंट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल था डोंट बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, सो ये एक रीजन से था। इसमें ना दो चीज़ हैं जो चीज़ मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और वो ये प्रोडक्ट ना लेना चाहें।
तो नंबर वन ये कि साइमल्टेनियसली आप एक जने से बात कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू कनेक्टेड टू सिक्स पीपल्स एंड यू वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ देम एट वंस, यू कैन नॉट डू इट. सो आप एक बारी में एक जने से बात कर सकते हो, फिर आपको चैनल बी करना पड़ेगा, हेलो यू आर देयर, चैनल सी करना पड़ेगा और उससे बात करने के लिए. नंबर वन. नंबर टू डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको अपने हेलमेट पे यहाँ पे माउंट करेंगे यहाँ पे, तो जब हम इसको यहाँ पे इसका स्पीकर का ऑक्स लगाएंगे, तो जब हम हेलमेट को जमीन पे या कहीं भी टेबल वेबल पे कहीं भी रखेंगे तो वो टच होगी. तो जो ये चीज़ है ये टच होगी और टच होने की वजह से वो ढीली भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है वायर. तो ये दो इश्यूज मुझे लगे. बाकी रेट के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मार्केट में V6 और V8 दोनों आ चुके हैं. V8 आपको 6,500 से लेकर 8,500 तक मिल जाएगा और दोनों में बस ये डिफरेंस है कि वो कनेक्ट हो सकता है 6 जनों से एक साथ बात कर सकते हो और ये कनेक्ट 6 जनों से हो सकता है बट एक बारी में एक ही से बात कर सकते हो. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे एंड मेरा बजट था कि मैं वो भी ले लूं, बट ये पड़ा मुझे 2,800 रुपए का. 2,800 आप मार्केट में जाओ आपको 3,500 4,000 का मिलेगा, बट मैं 2,800 के लेके आया हूँ एंड ये लेके आया मैं करोल बाग से. सो ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो ज्यादा आपको सस्ती चीजें मिल सकती हैं समटाइम्स, एंड समटाइम्स ऑनलाइन सस्ती मिल जाती हैं. सो ट्राई ऑफलाइन टू. सो ये मैं लेके आया 2,800 का, वो मुझे मिल रहा था 6,200 का. तो मुझे प्राइस डिफरेंस की वजह से मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा एंड वर्थ इट लगा, तो मैं ये लेके आया हूँ. तो अब हम इसको हेलमेट में माउंट करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको हेलमेट में कैसे माउंट करना है इस प्रोडक्ट को. सो सबसे पहले हम हेलमेट की पैडिंग्स निकालेंगे ताकि हम इसको अच्छे से फिट कर सके. तो अब हम लोग हेलमेट की पैडिंग्स निकालेंगे. तो ये एक पैडिंग बाहर आ चुकी है ना, यहाँ की भी निकालेंगे ऐसे ही करके, ये यहाँ का भी बाहर आ चुका है. तो अब ये दोनों बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ का भी मैं कोशिश करूँ बाहर निकालने की और मैंने ये पूरा बाहर निकाल लिया. और ये स्पीकर बाहर नहीं आएगा, जैसे कि पैकिंग देख सकते हो, पैकिंग काफी अच्छी है तो स्पीकर बाहर नहीं आएगा और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है. ये लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको उतारना है और ये पेस्टिंग है. तो पहले क्या करो, पहले यहाँ पे लगा के चेक करो कि आपका साइज क्या है. तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा कट करूंगा. ये नहीं मेरे सीजर, तो मैं इसको थोड़ा सा कट करूंगा. केयरफुली कट करना है, ज्यादा मत कट करना. तो अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो जैसे कि देख रहे हो बिल्कुल फिट आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट. तो अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा. ये इसकी टेप है, ये टेप मैं निकालूंगा पूरी और ये पेस्ट हो जाएगा इधर. ये टेप इसकी निकल चुकी है और अब इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा. और ये मेरा माइक मेरा यहाँ पे आ जाएगा. तो ये इसकी पेस्टिंग आ गई है और अब इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे. स्पीकर यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब हमको पैडिंग इसकी वापस डालनी है. तो सबसे पहले तो इसकी मेन वायर तो ये वाली है, तो इसको यहाँ रखेंगे और इसको हम ऐसे पीछे घुमाएंगे. तो यार काफी कोशिश करने के बाद मुझे ये आइडिया आया है कि इसको मैंने जैसे माउंट कराया, मैंने ये जो है ना ये चीज, ये रबड़ मैंने कट करी है थोड़ी सी, कट करने की, देखो ये कट करी हुई और फिर ये लगाया, वरना ये टेढ़ा आ रहा था. जो ये रबड़ ये कट करी है, अब यहां लगाने के लिए प्रॉब्लम आई थी, यहां पे अंदर जाएगा ये चीज अंदर जाएगी. तो मैंने क्या करा है, मैंने ये यहां पे ये कट लगाया है. अब मैं यहां से इस वायर को इसमें डाल दूंगा, इस वायर को इसमें डाल दूंगा और अब मैं इसको अंदर डालूंगा तो ये मेरी वायर भी नहीं कटेगी. तो ये सोल्यूशन था इस चीज का जो कि मैं 2 घंटे से ढूंढ रहा था. अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कैसा लगता है. तो मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ये लग चुका है और ये लग चुका है. एक बार मैं इसको पहन के एक बार आवाज सुनता हूँ कैसी लग रही है. और सारा सेटअप कंप्लीट है और मेरा यहाँ से ये भी चल रहा है, मेरा बटन जो कि मेरा इसका है मिरर का, जो मेरा ये मिरर है ये देखो, ये इसका बटन भी चल रहा है. तो एवरीथिंग इज गुड, सो लेट्स ट्राई इट. तो यार ये लग चुका है, ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे हेलमेट पे लगा हुआ एंड काफी टाइट भी है, तो मेरे को इसमें MC लगाने की जरूरत नहीं है. एंड जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे हेलमेट में, ये देखो ये इशू, ये यहाँ टच हो रहा है ना, ये यहाँ से खराब हो सकती है. तो इसका भी एक मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे ब्लैक टेप लूंगा, जो वायर वायर टेप होते हैं उसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रैप कर दूंगा, तो ये सब स्ट्रांग हो जाएगी. तो फिर अगर मैं यूं रखूंगा अभी तो ज्यादा इशू आएगा नहीं. और वैसे मैं ट्राई करूंगा मैं ज्यादा इसको ना रखूं, इसको अगर मैं रखूं तो मैं इसको ऐसे निकाल के रखूं जहां भी रखूं. सीरियसली इसको लगाना बहुत टास्क, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मुझे आधा घंटा लग गया लगाने में, लेकिन सीरियसली बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज़ भी अच्छी है इसकी और इतनी बेस भी नहीं है कि आपको पीछे के हॉर्न सुनाई ना दे. तो टू ऑल दी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये नहीं दिलाना चाहते, प्लीज ये एक अच्छा गैजेट है एंड इट इज यूजफुल वाइल राइडिंग.
आप किसी और राइडर से बात कर सकते हो, किसी का फोन आया तो बिना बाइक रोके आप उठा सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता है। एंड इसकी जो स्पीकर्स की वॉल्यूम है वो इतनी भी तेज़ नहीं है कि आपको पीछे के हॉर्न सुनाई ना दे, नॉर्मल बेस, नॉर्मल ट्रेबल साउंड अच्छी है एंड लगाने के बाद अच्छा भी लगता है। तो मैं एक बार आपको इसको पहन के दिखाता हूँ, पहनने का कितनी अच्छी लुक आती है। तो ये देखो, ये मैंने पहन लिया, और अगर मेरे को अपना ये करना है कैमरा तो मैं ये भी कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। तो ये मेरा ऐसा लग रहा है, कुछ लुक ऐसा आ रहा है, और मेरा माइक भी सही से लग चुका है इसके अंदर। मैं आपको माइक दिखाता हूँ, ये देखो ये जो माइक है, माइक भी यहाँ पे आराम से फिट हो चुका है, तो इसमें आवाज़ भी अच्छे से आएगी। तो या इट इज़ डन एट लास्ट, आई हैव माई इंटरकॉम, आई एम सो हैप्पी। सो एज ऑलवेज दिल से आ रहा है, मुंह से जा रहा है, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। और नेक्स्ट व्लॉग में हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, ये भी बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है और इसका भी रिव्यू करेंगे कैसा है ये प्रोडक्ट। पहले मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।